टॉपिक इज बेसिकली पीसीए टाइमर, जिसको हम अगर एक्सपैंड करें देन इट इज कॉल्ड योर प्रोग्रामेबल काउंटर एरे पीसीए. ठीक है. सो दिस मॉड्यूल इज जनरली प्रेजेंट इन योर एडवांस्ड माइक्रो कंट्रोलर्स. दिस वॉज नॉट प्रेजेंट इन योर 8051, आपको ध्यान होगा. बट हम लोगों ने लास्ट में जो माइक्रो कंट्रोलर किया था उसमें पीसीए प्रेजेंट था, वी सॉ इन इट्स फीचर्स. ठीक है. सो हम इसको थोड़ा सा डिटेल में करेंगे एंड आपके सिलेबस में इस टॉपिक के मल्टीपल सब टॉपिक्स हैं. सो इसीलिए हम इसको थोड़ा सा इन डेप्थ करेंगे. सो वी विल नॉट जस्ट ब्राउज ओवर इट. तभी ये बहुत बड़ा है वैसे, लेकिन मैंने काफ़ी इसको शॉर्ट करके जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो यहाँ पर आपको मैंने मैंशन कर दी है एंड वी विल गो ओवर दैट. सो मेनली इसकी जो फीचर्स हैं उसमें आप कुछ फीचर्स इसके याद कर सकते हैं. बट देन वी आर गोइंग टू कम ऑन इट्स मोड्स, मोड्स ऑफ ऑपरेशन. मोड्स ऑफ ऑपरेशन आपको समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है. एक बार आप उसके मोड्स समझ जाएंगे देन यू कैन ईजिली एक्सप्लेन योर सेल्फ ऑल्सो, और उससे रिलेटेड आप ग्राफ्स या प्रोग्राम्स भी ईजिली लिख सकते हैं. सो इसमें आपकी बहुत ज़्यादा प्रोग्रामिंग नहीं आएगी, इट्स वेरी सिंपल. बट आपको एल्गोरिदम और जो बेसिक प्रोग्राम की कुछ लाइन्स हैं दैट यू शुड. बहुत एक्सटेंसिव प्रोग्रामिंग अभी इसमें हम नहीं करेंगे, बट यस बेसिक प्रोग्रामिंग एंड एल्गोरिथम देखेंगे हाउ टू प्रोग्राम दिस एंड यूज अ पर्टिकुलर मोड ऑफ पीसीए. ऑलराइट. सो दो चीजें आपको कॉन्सेंट्रेट करनी है, इट्स फीचर्स, क्या क्या है एक्चुअली टाइमर एंड क्या क्या मोड्स सपोर्ट करता है. सो स्टार्टिंग विद व्हाट इज पीसीए, इट इज एक्चुअली अ स्पेशल 16 बिट टाइमर. ठीक है. इफ यू रिमेंबर हमारे पास 8051 में भी 16 बिट टाइमर्स थे, बट इट इज डिफरेंट दैन योर नॉर्मल टाइमर्स बिकॉज आप देखो इट हैज 5 16 बिट कैप्चर कंपेयर मॉड्यूल्स. अभी हम इसको डिस्कस करेंगे व्हाट आर कैप्चर कंपेयर मॉड्यूल्स इन डिटेल्स. ईच ऑफ दीज मॉड्यूल्स कैन बी प्रोग्राम टू ऑपरेट इन वन ऑफ द फोर मोड्स, राइजिंग फॉलिंग एज कैप्चर, सॉफ्टवेयर टाइमर, हाई स्पीड आउटपुट एंड पल्स विड्थ मॉड्यूलेटर. तो आपका ये जो हाई स्पीड आउटपुट और पल्स विड्थ मॉड्यूलेटर मोड है ये आपके सिलेबस में है. ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दिस मॉड्यूल 4, ओनली मॉड्यूल 4 कैन बी प्रोग्राम्ड एज अ वॉचडॉग टाइम, जो भी हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, इन एडिशन टू द 4 मोड्स. सो बेसिकली पीसीए हैज 5 16 बिट कैप्चर कंपेयर मॉड्यूल्स, सीसीएमस हम शॉर्ट में कहते हैं, एंड इट हैज 4 मोड्स. एक्सेप्शन इज मॉड्यूल 4 के पास 5th मोड भी होता है, दैट इज इट कैन बी प्रोग्राम्ड एज अ वॉचडॉग टाइम. ठीक है. तो ये आपका इसका बेसिक है एंड ऑल्सो यू हैव सम पिन्स एसोसिएटेड विद योर पीसीए टाइमर्स. सो कौन सी पिन्स हमारे पास है, यू कैन सी मॉड्यूल 0 इज कनेक्टेड टू P1.3, मॉड्यूल 1 इज कनेक्टेड टू P1.4, मॉड्यूल 2 इज कनेक्टेड टू P1.5, मॉड्यूल 3 इज कनेक्टेड टू P1.6, मॉड्यूल 4 इज कनेक्टेड टू P1.7. ब्रैकेट में इनके ऑल्टरनेटिव नेम्स दे रखते हैं. P1.7 इज एक्चुअली योर GPIO, बट इसको हम CEX4 कहेंगे इफ वी आर टॉकिंग अबाउट PCIe. राइट. ये पिंस हम लोगों ने आपके माइक्रो कंट्रोलर में स्टडी की थी. यू कैन ऑल्सो सी दैट इन दिस माइक्रो कंट्रोलर 89LP51DR2 वी हैव योर पीसीए मॉड्यूल. हम लोगों ने इसके फीचर्स में देखा था. यू कैन सी हियर 16 बिट प्रोग्रामेबल काउंटर अरे, यही हमने देखा था पीसीए. इसी को हम अभी स्टडी कर रहे हैं. राइट. And you can see it has all these modes also. And if I take you to the pin diagram again, अभी हमने कौन सी पिन्स बात की थी PCIe की है, you can see here 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.3 onwards. CEX0, CEX1, CEX2, CEX3 and CEX4. So these are your PCIe module pins, क्योंकि अभी हमने discuss किया. So we have actually seen the pins जो हमारे पीसीए मॉड्यूल की अवेलेबल है आपके माइक्रो कंट्रोलर में. सो
पिंस पे अभी हम बाद में बात करेंगे, व्हाई आर दोस पिंस यूज्ड, किस काम के लिए यूज होती है, बट यू शुड नो कि दीस पिंस आर अवेलेबल। और पीसीए से रिलेटेड जो भी हम कुछ काम करेंगे, अगर कुछ हमें पिन की जरूरत है, देन वी आर गोइंग टू यूज दीस पिंस 1.3 to 1.7, राइट। इसमें हमें इसका सब टॉपिक करना है, दैट इज योर टाइमर सोर्स। नाउ रिमेंबर, दिस इज अ टाइमर, आफ्टर ऑल इट इज अ टाइमर ओनली, so it will be sourced by some clock source. 8051 में अगर आपको ध्यान हो, जो भी हमारा टाइमर, जो टाइमर 0 है, टाइमर 1 हम लोग यूज करते थे, it was sourced by your crystal. Whether it was a 12 megahertz या 11.0592 megahertz, हम लोग उसका क्लॉक, टाइमर की क्लॉक साइकिल कैसे कैलकुलेट करते थे, we used to divide by 12, 11.0592 divided by 12, and then we used to say that this is your final clock that is actually running your time. उससे हम ये भी डिले भी निकाल सकते थे कि एक काउंट में हमारे पास actually how much time is being taken for counting one. And same way में अगर मुझे say 1000 count करवाना है और I need to generate a delay of 5 microsecond, तो मैं उससे counts निकाल सकता था. So ultimately you should know which clock is running your time. क्लॉक अगर आपको नहीं पता है, देन यू कैन नॉट कैलकुलेट एक्चुअली टाइमर आपके कितनी डिले प्रोड्यूस करेगा, या अगर आपको आप कुछ काउंट करवा रहे हो टाइमर से, देन एक्चुअली हाउ मच टाइम इट इज गोइंग टू टेक टू काउंट दैट वैल्यू, टू काउंट अप टू दैट वैल्यू, राइट। सो यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट सोर्सेज अवेलेबल है, डिफरेंट सोर्सेज भी, आई एम नॉट लिमिटेड टू ओनली वन क्लॉक सोर्स। अगर मेरी फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, दैट मींस अगर जो भी आपका क्रिस्टल ऑसिलेटर आपके माइक्रोकंट्रोलर में लगा है, सो यू कैन सी हियर बेस्ड ऑन द वैल्यूज ऑफ दीस टू CPS1 एंड CPS0, आप इसमें डिफरेंट क्लॉक सोर्सेज दे सकते हैं, डिफरेंट क्लॉक फ्रीक्वेंसीज दे सकते हैं। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द 12 क्लॉक मोड, इट इज F ऑसिलेटर बाय 12, F oscillator by 4, ये आपका कोई सोर्स नहीं है। External clock at PCI pin, maximum rate is F oscillator by 8. So, आप देखो यहाँ पर आपके पास तीन अलग-अलग clock sources available हैं। Suppose F oscillator मेरा 12 megahertz है, so you can have these three different clock sources based on the values of CPS1 and CPS. 12 divided by 12, 1. 12 divided by 4, 3. 6 clock mode की बात करूँ मैं, then 12 divided by 6, 2. 12 divided by 2, 6. And I can also provide some external clock at this ECI pin. There is a ECI pin जिस पे मैं external clock provide कर सकता हूँ. But maximum rate उसका क्या होगा? F oscillator by 8. तो अगर मैं इस example की बात करूँ, it will be 12 divided by 8. That means 1.5 megahertz. So based on your oscillator, you can have different clock frequencies operating your time. So CMOD register is an important register that is used for configuring the PCA module, right? So if you see, this is an 8-bit register. Since our microcontroller is 8-bit, so this is also an 8-bit register. And let us start the bit description from bit 7 onwards. So bit 7, if you can see here, the symbol for the bit 7 is CIDL. So it actually corresponds to counter idle control. So basically what this bit does is, it programs the PCA counter to continue functioning during the idle mode if this bit is set to 0. And if the bit is set to 1, then it programs the PCA counter to be gated off during idle. Gated off means the PCA counter is not going to function when it is idle. Coming to the next bit, that is the bit 6, it is WDTE. You can see the name clearly indicates it's related to watchdog timer, so watchdog timer enable.
So we already saw that the module 4 of PCA can also be configured in watchdog timer mode. So इस बिट से हम वॉचडॉग टाइमर मोड कॉन्फ़िगर करेंगे मॉड्यूल 4 के लिए. अगर जीरो वैल्यू है दैट मींस वॉचडॉग टाइमर मोड डिसेबल्ड है, सो बाय डिफॉल्ट डिसेबल्ड रहेगा. एंड इफ इट इज 1 देन वॉचडॉग टाइमर मोड आपका पीसीए मॉड्यूल 4 पे एनेबल हो जाएगा. कमिंग टू दीज टू बिट्स सीपीएस 1 एंड सीपीएस 0, दीज आर द सेकेंड एंड द फर्स्ट बिट्स. बिट 5, बिट 4 एंड बिट 3 आर unused or reserved for future use. So हम लोग programming में इन तीन bits को use नहीं करेंगे. So CPS 1, CPS 0 हमने अभी देखा था थोड़ी देर पहले, that these bits are primarily used for configuring the clock source of the timer. So अगर हम देखें CPS 1, CPS 0 दो bits हैं हमारे पास, that means we have four possible combinations. फर्स्ट कॉम्बिनेशन पे हमारी जो इंटरनल क्लॉक है दैट इज एफ ओ एस सी डिवाइडेड बाई 6 इन 6 क्लॉक मोड एंड एफ ओ एस सी डिवाइडेड बाई 12 इन 12 क्लॉक. सो यू कैन सी कि हमारी जो ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी है एफ ओ एस सी, जो कि हमारे माइक्रो कंट्रोलर को क्लॉक कर रही है, सोर्स दे रही है, हम उसको इधर डिवाइड बाई 6 कर सकते हैं या डिवाइड बाई 12 कर सकते हैं. सो वी आर हैविंग द कैपेबिलिटी टू कन्फिगर आर क्लॉक सोर्स फॉर द टाइमर. देन ऐसे ही नेक्स्ट के लिए हमारे पास एफ ओ एस सी बाई 2 है एंड एफ ओ एस सी बाई 4 है इन 12 क्लॉक मॉड्यूल. दिस इज नॉट कन्फिगरिंग द क्लॉक सोर्स एट ऑल. लास्ट वाला जो हमारा है दैट इज एक्सटर्नल क्लॉक एट P1.2 दैट इज द ECI पिन. तो इसका क्या मतलब है, अगर मुझे कोई एक्सटर्नल क्लॉक देनी है, इफ आई डोंट वॉन्ट यूज टू यूज द इंटरनल फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर ऑफ द माइक्रो कंट्रोलर, then I can use this configuration option. But इसमें एक limitation है हमारे पास that the maximum rate is FOSC divided by 4 in 6 clock mode and FOSC divided by 8 in 12 clock mode. So maximum clock rate इतना ही रहेगा. So I cannot give say a very high clock rate as compared to FOSC. Then coming to the 0th bit, that is your last bit, LSB, ECF. So ECF का भी full form आप यहाँ पे देख सकते हो. PCA enable counter overflow. So enable counter overflow interrupt. So as the name suggests, this bit is going to control your interrupt for this PCA module. Now, how does that happen? अगर हमारे पास इसकी value 0 है, then there is a bit in another register, CCON register. ये हमें बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है, but just understand, this is another register in which there is a CF bit. So that CF bit is disabled if I keep this bit zero. इस केस में कोई भी इंटरप्ट जनरेट नहीं होगा. When this bit is made one, the same bit in that is the CF bit in CCON register, it will be made one. And then an interrupt will be generated. Now, what is this interrupt and when will it generate? Interrupt, आपको पता है कि whenever there is an interrupt generated in your system or any device that is functioning, your device has to suspend whatever it was doing and it has to serve your interrupt request. So, ये interrupt का क्या मतलब है? जब भी आपका timer overflow करेगा, timer overflow meaning whenever the timer reaches your maximum value and goes back to zero, this is the overflow for any timer. So ye hai jo PCA module hai hamara 16 bit timer hai. 16 bit timer means it can count maximum up to 2 raised power 16 value. Aur kyunki pehli count hamari 0 hoti hai, that means we will have a count from 0 to 2 raised power 16 minus 1. Agar main isko decimal mein likhu, so it will be 65535. राइट, सो यानी मैं 0 से 65535 तक अपने टाइमर से काउंट करवा सकता हूँ. ओवरफ्लो कंडीशन क्या आएगी, व्हेन दिस इज गोइंग टू रोल बैक टू जीरो, मीनिंग कि टाइमर ने आपका 65535 काउंट कर लिया. अब 65535 के बाद भी अगर ये चलेगा देन इट विल गो बैक टू जीरो. ये आपकी ओवरफ्लो कंडीशन. तो अगर मेरा सी एफ बिट 1 है यहाँ पर, ई सी एफ इज 1, दैट मीन्स सी एफ इन सी कॉन इज ऑल्सो 1,
then whenever this condition is going to happen, an interrupt will be generated. So जब भी टाइमर ओवरफ्लो करेगा मेरे पास एक इंटरप्ट आएगा. अब उस इंटरप्ट के थ्रू मैं कुछ भी करवा सकता हूँ. मे बी आई कैन अलर्ट द सिस्टम और आई कैन जनरेट सम सॉर्ट ऑफ स्क्वायर वेव. जो भी आपकी एप्लीकेशन है आप उस इंटरप्ट के बेसिस पे करवा सकते हैं. इंटरप्ट देने का बस यहाँ पर मतलब ये है कि जब भी काउंट टाइमर आपका 65535 से आगे जाए, दैट मीन 65535 तक काउंट कर चुका है, एक इंटरप्ट जनरेट हो जाए. एंड बेस्ड ऑन दैट वी कैन इम्प्लीमेंट एनी एप्लीकेशन. सो दिस इज ऑल अबाउट योर सी मॉड रजिस्टर. और इसमें सिर्फ हमें सी मॉड रजिस्टर ही करना है, विच इज इम्पॉर्टेंट. एंड नेक्स्ट वी विल बी डीलिंग विद द मोड्स इन योर पीसीए मॉड्यूल. थैंक यू.